तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और खबर आ चुकी है दोस्तों, जिसका आपको इंतज़ार था। और आज हमारे जो हिम्मत सिंह है HSSC के चेयरमैन, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें बहुत सी बातों को क्लियर किया उन्होंने। कि आपको हमने कल ये बताया था, लाइव में थे हम सब मनीष पुलिस जी के साथ। तो उन्होंने बोला था कि चुनाव आयोग ही तय करेगा कि 56-57 का रिजल्ट या जो भी आपका हरियाणा पुलिस का रिजल्ट है, इसको लेकर। तो इसको लेकर बड़ी खबर ये आई है कि HSSC ने पहले नोटिस भेजा चुनाव आयोग को, उसका जो जवाब आया है वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले, अगर आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं कि क्या अपडेट आई है। अपडेट ये दोस्तों, ग्रुप आपका 1, 2, 56, 57 या हरियाणा पुलिस का रिजल्ट है या कोई भी रिजल्ट है इनसे अलावा, तो उन पर जो अपडेट आई है चुनाव आयोग की, कि जो आप रिजल्ट घोषित अब नहीं कर सकते, चुनाव से पहले मतलब चुनाव के बाद ही होगा जो कुछ होगा, जो भी रिजल्ट आपको निकालने हैं। तो ये जो खबर आई है वो ये है कि आपके जो रिजल्ट हैं, चाहे आप ग्रुप 56-57 का है, 1-2 का है या हरियाणा पुलिस का है, तो ज़्यादा इंतज़ार आपको करने की ज़रूरत नहीं है। और हिम्मत सिंह ने, जो हमारे चेयरमैन हैं, उन्होंने ये भी बोला, पढ़ाई पर ध्यान रखो, हमारा काम है, हमने क्या कुछ करना है, ये भी उन्होंने बोला है। तो दोस्तों कुल मिला के बात यही है कि अब आपका कोई रिजल्ट नहीं आएगा, और ये उन्होंने बोला है। और जो रिजल्ट आएगा HSSC के, वो इलेक्शन के बाद ही आएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये हिम्मत सिंह ने बोला है, जो कोर्ट की तरफ से या जो चुनाव आयोग की तरफ से उनके पास मैसेज आया है, उन्होंने दिखाया भी है चिट्ठा पूरा, तो उनके पास तो यही मैसेज आया है कि चुनाव आयोग ने बोला है कि इलेक्शन के बाद ही आप रिजल्ट घोषित कर सकते हैं, इलेक्शन से पहले आप कोई भी रिजल्ट घोषित नहीं कर सकते। तो बड़ी अपडेट थी, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा चैनल पर, अगर आप पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।